हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियोज़ यानी कि प्रीवियस वीडियोज़ और नेक्स्ट वीडियोज़ सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से जा करके आप सारे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट ट्राइंगल हुज बेस इज 1.2 मीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 3.7 मीटर। ओके, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। हमें क्या पता करना पड़ेगा, एरिया निकालने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, हमें पता होना चाहिए उसका हाइट और बेस पता होना चाहिए। ये हाइपोटेनियस क्या होता है, आइए मैं इसको आपको डायग्राम से समझाता हूं और कैसे हम यहां से उसका हाइट फाइंड करेंगे वो बताता हूं। सबसे पहले तो आप समझिए कि क्या क्या दिया हुआ है और किस चीज़ का हमें जरूरत पड़ने वाला है। तो एक राइट एंगल मैंने बना लिया है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। इसमें जो हमारे पास बेस है वो दिया हुआ है 1.2 मीटर, ये होता है बेस, इसे बोलते हैं हम हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है 3.7 मीटर। और हमको पता है कि जब हम एक ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है तो सबसे इजी मेथड क्या है कि हमें बेस पता रहे और हाइट पता रहे, तो हम 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट वाला फॉर्मूला पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये एरिया फाइंड करेंगे यानी कि इसका हाइट फाइंड करेंगे। ओके, तो इसको कैसे फाइंड किया जाता है, तो आपको पता ही होगा कि जब एक राइट एंगल बनता है तो वहां पर पाइथागोरस थ्योरम काम आता है, जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर फॉर्मूला हो जाता है हमारा, यानी इसका स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा इसके और इसके स्क्वायर के प्लस के बराबर में। यानी इसको हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, यहां पर पहले तो आप एक बार लिख लेना कि जो जो चीज दिया हुआ है हमें, जैसे बेस लिख लेना, बेस इक्वल टू 1.2 मीटर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है हमें, तो एच वाई लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, वो दिया हुआ है हमें 3.7 मीटर। तो इसके बाद हमको पता क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में इन ए राइट एंगल्ड एंगल्ड सॉरी एन नहीं लगेगा एलईडी एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है यानी कि एच वाई का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा एच के स्क्वायर के यानी कि हाइट के स्क्वायर के प्लस बी के स्क्वायर के यानी कि बेस के स्क्वायर के। एकदम शॉर्ट मैंने लिखा, आप इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसका स्क्वायर यानी कि 3.7 का स्क्वायर इक्वल होगा हमारा हाइट का स्क्वायर, वो हमें पता नहीं है तो उसको हम एच स्क्वायर ही लिखेंगे अभी, प्लस बी के स्क्वायर के यानी कि 1.2 के स्क्वायर के, इस तरीके से। ओके, अब बस क्या करना है, हमको यहीं से इसका हाइट फाइंड कर लेना है, यही फॉर्मूला है, ये पाइथागोरस थ्योरम भी कहलाता है, बस इसी फॉर्मूला से हमको इसको फाइंड करना है हाइट। यहाँ से आइए इसको फाइंड कर लेते हैं। पहला चीज़ क्या होगा, इसका हम स्क्वायर निकालेंगे, 3.7 यानी कि 37 है, तो 37 मल्टीप्लाई 37 कर लो, क्योंकि इसका स्क्वायर मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि हमें 20 तक केवल याद करना जरूरी रहता है। 7 7 जो हो जाएगा हमारा 49 का 9, कैरी हो गया 4, ये हो जाएगा 21 और 4 हो जाएगा 25। ओके, ये हो जाएगा 21 का 1, कैरी हो गया 2, 9 और 2 हो जाएगा हमारा 11, तो हो जाएगा 9 6 3 और 1, यानी कि 1 3 6 9 हो गया। यहाँ पर 1 डिजिट बाय डेसिमल है, यहाँ पर और यहाँ पर 2 डिजिट बाय डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पर इसका डेसिमल लग जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 13.69। और ये जो हमारा इधर 1.2 है यानी कि 12 है, 12 के स्क्वायर हमें याद है कितना होता है, 144 होता है, यानी कि 1.2 का कितना हो जाएगा, 1.44 हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, क्योंकि 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 दो जगह हमारे पास डेसिमल है, तो यहाँ पर 1.44 हो जाएगा। और ये अभी राइट साइड में था, लेफ्ट साइड में आएगा तो अभी इधर प्लस में था, इस साइड आकर के ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल के उस साइड हो जाएगा हमारे पास एच का स्क्वायर। बस इसको माइनस कर देते हैं, 9 में से 4 माइनस हुआ 5, 6 में से 4 माइनस हुआ 2, डेसिमल का डेसिमल उतार दो, 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2, और ये 1 का 1 उतर गया, तो h स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 12.25। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां से h का वैल्यू पता करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर को जरा ट्रांसफर करेंगे, तो ये हमारा अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 12.25 इक्वल टू h। अब हमको इसका वैल्यू पता करना है कि 12.25 किसका स्क्वायर है, यानी कि किसका मल्टीप्लाई किससे करते हैं, तो हम इसको फाइंड करने का सबसे इजी तरीका क्या है, देखो अब इसका याद तो है नहीं हमको, ये हमने बताया आपको कि 20 तक याद करना जरूरी रहता है, उसके आगे आपको क्या करना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है, तो उसको भी मैंने आपको सिखा दिया कैसे फाइंड किया जाता है। इसके हम फैक्टर, सॉरी स्टूडेंट, अचानक से मेरा कॉल आ गया था, इस वजह से वीडियो इंटरप्ट हो गया, कोई बात नहीं, आइए फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर आ गया हमारा 12.25 इक्वल टू एच हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका हम फैक्टर फाइंड कर लेंगे, पूरा लिख लो आप 1225 और इसको फैक्टर फाइंड करते जाओ, तो ये हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से कर लेते हैं, 5 2 10 हो जाएगा हमारा, 2 बज गया उधर आ जाएगा, तो 5 4 20, 2 इधर चल जाएगा तो 5 5 25। अब ये फिर से 5 से हो रहा है तो 5 4 हो जाएगा हमारा 20, उसके बाद ये 4 इधर चल जाएगा तो 45 बन जाएगा, तो 5 9 45। अब ये 7 से हो रहा है तो 7 7 49 और फिर 7 1 7, तो कितना निकल गया इसका फैक्टर हमारे पास, ये हो जाएगा 5
ये पेयर और ये पेयर, 5 × 5 बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 7 हो जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसका मतलब कि जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये कितने से बनकर निकलेगा, 35 से बनकर निकलेगा। उसके अलावा आपको क्या ध्यान देना है कि ये हमारे पास 12.25 था यानी कि डेसिमल था, इसका मतलब कि यहाँ पर हम 3.5 लगाएंगे, इज दैट क्लियर। यानी कि 3.5 × 3.5 अगर हम लिखते हैं तो हमारा 12.25 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको लिख भी सकते हो कि 3.5 × 3.5, ये 3.5 कहाँ से आपको समझ में आ गया ना। इस तरीके से हम फैक्टर फाइंड करके जो हमारा मेथड है इसके इसको अंडर रूट से हटाने के लिए वही वाला हमने मेथड यूज़ किया है। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू एच। अब बस हमारे पास क्या करना है, इसको अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए दो पेयर बन गया है, तो ये डायरेक्ट हम 3.5 = h इस तरीके से लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर। एक बार और आपको अच्छे से समझा देता हूँ मैं कि 35 का मल्टीप्लाई अगर हम 35 से करेंगे तो हमारा 1225 आएगा। उसी तरीके से 3.5 × 3.5 करेंगे तो हमारा इतना आएगा। और ये 3.5 हमने फाइंड कहाँ से किया, 35 हमने फाइंड कहाँ से किया, यहाँ से हमने इसे फाइंड किया है। ये मेथड है इसका, बेसिक मेथड। तो 3.5 = h निकल गया हमारे पास, यानी ये वाला जो हमारा साइड था वो हमको पता चल गया कि कितना है, 3.5 है। और ये भी सब मीटर में था तो ये भी क्या में निकला होगा, हमारा मीटर में निकला होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, आइए यहीं पर पुट कर लेते हैं। एक फॉर्मूला में से हमारा एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू 1/2 × बेस × हाइट, यही होता है, बस इसी फॉर्मूला में पुट करना है। तो हो जाएगा हमारा 1/2 × बेस, हमारे पास कितना निकल गया, बेस कितना दिया हुआ था, 1.2 दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा 1.2 × हाइट हमने कितना निकाला है, तो ये निकाल लिया हमने 3.5। अब इसको डिवाइड दे दो, तो 2 से कट हो रहा है, कट कर लेते हैं, 2 × 2 ऊपर में 2 × 6 = 12 हो रहा है, लेकिन हमने दोनों डिजिट लिया जिसमें डेसिमल भी आ गया, इसका मतलब हमको यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.6। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा 335 या फिर 3.5 × 0.6, जो भी आप लिखना चाहो इसको लिख सकते हो आगे पीछे, क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो आप पहले इसको लिखो या बाद में इसको लिखो कोई मतलब नहीं है। मैं इस तरीके से इसे लिखाऊं क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा। ये 6 × 5 = 30 होगा, कैरी हो जाएगा हमारे पास 3, 6 × 3 = 18 और 3 हमारे पास 21। एक सेकेंड, 6 × 5 = 30 कैरी हो गया 3, 6 × 3 = 18 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इसको हम 21 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 1 digit by decimal, यहाँ पर 1 digit by decimal, तो यहाँ पर इसका मतलब डेसिमल लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2.1 हो जाएगा। और एरिया किस चीज़ में निकलता है, हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है, यानी जो भी हमें यूनिट दिया हुआ है उसके स्क्वायर में, तो यहाँ मीटर दिया हुआ था तो मीटर के स्क्वायर में। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2.1 meter². आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7। कुछ भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ से हमको हाइट फाइंड करने के लिए ये वाला पाइथागोरस थ्योरम जाना जरूरी था, बस ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है, द लेग्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इन द रेशियो 3:4, यानी कि जो लेग्स है राइट एंगल के, यहां पे अगर एंगल बन रहा है तो ये वाला लेग और ये लेग, यानी कि हाइट और बेस का हमें दिया हुआ है यहां पर क्या चीज, रेशियो दिया हुआ है। तो हम क्या कर लेंगे, हाइट को मान लेंगे 3x, बेस को मान लेंगे 4x, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। एंड इट्स एरिया इज 1014 cm², और एरिया भी दे दिया हुआ है हमें, तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लेग्स, यानी कि हमें बस वही करना है यहाँ पर, उसके लेग्स का हमें एरिया फाइंड करना, सॉरी लेंथ पता करना है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें बेस पता करना है और हाइट पता करना है। ओके, आज इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। फिर से आप एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लो कि हमें दिया क्या क्या गया है। हमें ये बोला गया है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो लेग है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों लेग कहलाते हैं, ये दोनों आपस में क्या है, 3 और 4 के रेशियो में है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, जब अभी हमें रेशियो दिया रहता है तो हम उसे 3x और 4x मान लेते हैं, तभी हमारा आसानी से सॉल्व होता है, वहाँ से x का वैल्यू हमें पता चलता है और फिर हम वहाँ से उसे जो भी उसका वैल्यू है, लेंथ है, वो पता कर लेते हैं। तो हम इस लेंथ को, इस हाइट को क्या मान लेते हैं, 3x मान लेते हैं, और इस जो हमारे पास बेस है ये वाला लेग, इसे हम 4x मान लेते हैं, क्योंकि ये 3 और 4 के रेशियो में दिया हुआ है। उसके अलावा इसका हमें एरिया भी दे दिया गया है 1014, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1014, एरिया का फॉर्मूला लिख लो इस तरीके से, डायरेक्ट आप लिख भी सकते हो यहाँ पर, लेट द लेग या फिर लेट द हाइट इक्वल टू 3x एंड बेस इक्वल टू 4x, एरिया इक्वल टू 1014। मैं उतना नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना अगर फिर में सॉल्व करोगे तो, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एरिया का फॉर्मूला आपको पुट करना है, एरिया इक्वल टू 1/2 × बेस × हाइट, ये फॉर्मूला है एरिया का। जब हम एरिया लिख लो 1014 इक्वल के उस साइड में 1/2 × बेस हमारे पास है 4x है बेस और हाइट हमारे पास है 3x, तो मल्टीप्लाई 3x। वैसे इधर आप पहले 3x भी लिखते हो तो भी वो गलत नहीं कहलाता, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई है आपस में, तो आप आगे पीछे करके लिख सकते हो। ये दोनों देखो कट हो रहे हैं आपस में, 2 × 2, 2 × 4, तो कट कर लेते हैं, x का x उतर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा 1014 = 2×3 = 6x², ठीक है। 1 का कुछ वैल्यू नहीं है, 6 × 1 = 6 ही होगा हमारा, और 2×3 = 6 हुआ, x और x मिलकर के x के स्क्वायर हो गए। अब हमको x स्क्वायर निकालना है, तो 6 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1014 / 6, और
और इक्वल क्यू साइड हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर। अब इसको हमको क्या करना है, कट कर लेना है, ये इसे कट कर लेते हैं। 6 से कट हो रहा है क्या ये डायरेक्ट, ये देखो 6 से, तो ये तो कट हो ही जाएगा। 6 से कट होने का रूल क्या है, क्लास 6 में आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखो लास्ट में 4 है, ये हमारा 2 से तो डिवाइड हो ही जा रहा है, उसके अलावा 4 और 1 5 और 1 6 यानी कि ये 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो कट कर लेते हैं हम डायरेक्ट 6 से, 6 वन जाए 6। ऊपर में अगर आपको याद ना हो ना कि 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो आप 2 से या 3 से इस तरीके से स्टार्टिंग में डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा हमारे पास 6 वन जाए 6, बच गया 4, 4 इधर आ जाएगा। तो 6 के टेबल में हमारे पास 41 तो आता नहीं है, लेकिन 6 सिक्स होता है हमारे पास 36, तो 36 41 में 36 माइनस हो तो 5 बच गया, वो इधर आ जाएगा, तो इसे 54 बना देगा। तो 6 9 हो जाएगा हमारा 54। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 169 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। और यहाँ पर हमें 169 हमको पता ही है किसका स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे इस तरीके से। देखो 169 इक्वल टू एक्स का, ये एक्स स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हट के ही तो अंडर रूट में आया था, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 13 मल्टीप्लाई 13, क्योंकि हमको याद है कि 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा हमारा x। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 13 इक्वल टू लिख देंगे x, तो हमें x का वैल्यू पता चल गया 13 है। तो अब हम निकाल लेंगे यहाँ से उसके बेस का वैल्यू और हाइट का वैल्यू, तो बेस हो जाएगा हमारा, ये होगा बेस कितना था हमारे पास 4x था, तो 4 मल्टीप्लाई 13, 4 13 जा कितना होता है हमारा 13 3 जा 4 13 जा 54, तो ये हो जाएगा हमारा 54। और ये किस चीज़ में निकलेगा, मीटर में या सेंटीमीटर में, तो जो भी हमारा एरिया दिया था ना, एरिया किस चीज़ में दिया था, सेंटीमीटर मेरे ख्याल से दिया था, कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 लेग, हाँ सेंटीमीटर के स्क्वायर में दिया था, इसका मतलब ये हमारा जो होगा वो सेंटीमीटर में निकलेगा। उसी तरीके से जो हमारा हाइट है वो कितना है हमारे पास 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा, तो हो जाएगा 13 3 जा हमारे पास 39 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो गया। एक सेकेंड ना, 13 4 जा हमारा 54 नहीं होता, 13 4 जा तो 52 होता है, मैं भी मेरा भी लगता है ध्यान आज नहीं पढ़ाई में, तो हो जाएगा हमारा 52 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको इन दोनों को पता चल गया, यही बहुत ईजी मेथड था, सबसे ईजी मेथड यही कहलाता है, इसके अलावा भी और मेथड्स हैं लेकिन ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।